ये कानून पूरे रद्द होने चाहिए और हम करवा के रहेंगे। किसानों के हक की लड़ाई अब भारत बंद पर उतर आई है। तीन अहम मांग, आंदोलन का 12वां दिन, अन्नदाता का सब्र टूटने लगा है। किसानों को लगने लगा है कि सरकार पर दबाव बनाने का अब एकमात्र रास्ता भारत बंद ही है। हम लोगों को, पूरे अवाम को अपील करना चाहते हैं कि कल को घर से जरूरी काम के बगैर घर से ना निकला जाए। सुबह सुबह जाओ, वो 11 से 3 बजे तक जो बंद है, सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, इसलिए किसी को परेशानी ना आवे। 12 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह गैर राजनीतिक रहा है, लेकिन किसानों के भारत बंद को समर्थन देने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां सामने आ गई हैं। इनमें शामिल है कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोकदल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक। राजस्थान में बीजेपी का सहयोगी दल आरएलपी भी भारत बंद के साथ है। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भारत बंद से दूरी बना ली है। भारतीय किसान संघ ने 9 दिसंबर को सरकार से वार्ता की सहमति के बाद एक दिन पहले भारत बंद के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। भारत बंद के नाम पर हो रही राजनीति पर भी भारतीय किसान संघ ने सवाल उठाए हैं। भारतीय किसान संघ ने अपने बयान में कहा कि अब तक किसान आंदोलन अनुशासित चला है, मगर ताज़ा घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी ताकतें, राष्ट्रद्रोही तत्व और कुछ राजनीतिक दल किसान आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ देने के लिए प्रयासरत हैं। इस ढंग से जिस प्रकार के आंदोलन जा रहा है, ये अहिंसक रहेगा ऐसा हमको संभव नहीं लगता। और जब जब सिंगूर से लेकर मंदसौर से लेकर यहाँ तक जो यात्रा किसान आंदोलन की है, राजनीतिक नेता जिस तरीके से इसमें घुस रहे हैं, इसमें इसलिए हमने, क्योंकि राजनीतिक नेता यहाँ घुस रहे हैं, आगे पीछे रहे हैं, पर्दे के पीछे भी रहे हैं, इसलिए हम इसे आंदोलन से दूर रखा अपने को। गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों को मनाने के लिए सरकार कई समाधान पेश कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानून वापस लेने से कम पर राजी होने को तैयार नहीं है। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सारी नजरें कल भारत बंद और परसों होने वाली 6ठे दौर की बातचीत पर हैं। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।